आप बताओ मुझे कि डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शौर्या, क्या सबसे क्या पहले स्टेजेस होते हैं बेटा, एप्लीकेशन, तेज बोलो। एप्लीकेशन, 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 पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन। हर्षदा, क्या होता है ये एप्लीकेशन स्टेज, क्या होता होगा आपके हिसाब से इसमें? हर्षदा, सर अप्लाई करते होंगे अमाउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में फर्स्ट स्टेज प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बातें कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं। तो जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज फुलफिल हो रहा होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। यस सर, तो ये वो स्टेज है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया था, अब लोग शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हमें पहले से पता हो सकता है कि कितनी एप्लीकेशंस आएंगी? नो सर, आपके हिसाब से, जस्ट अ वाइल्ड गेस, कितना टाइम दिया था, ये जो एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, क्या कितना टाइम दिया जाता होगा शेयर्स अप्लाई करने के लिए? जस्ट अ वाइल्ड गेस। सर 1 month। रुशील ने बोला 3 days, आपने बोला 1 month, 5 days, एंड इट वेरीज, कोई फिक्स नहीं होता। कुछ इश्यूज में 4 भी हो सकता है, कुछ में 7 भी हो सकता है, बट आज की डेट में 7 days से ज्यादा विंडो ओपन रखते नहीं है वो। और अब सब ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, पहले कागज भरे जाते थे, फॉर्म्स निकलते थे, न्यूज़पेपर में आते थे, मतलब पहले हार्ड कॉपीज के थ्रू होता था, अब सारा ऑनलाइन सबमिशन है, बट फिर भी 7 days दिए जाते हैं। तो पहले कंपनी अप्लाई करती है, तो जिसने फर्स्ट डे अप्लाई करे, जिसने 7 day लास्ट डे अप्लाई करे, 5 days से तो 5th day, 4 days, जिसने फर्स्ट डे अप्लाई करे, जिसने लास्ट डे अप्लाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब। अगर इश्यू हो गया ओवर सब्सक्राइब तो कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी स्टेप्स ले सकती है। वो ये कर सकती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट कर दो, कि जिन्होंने पहले अप्लाई करा था उनको ओवर सब्सक्रिप्शन, कि नंबर ऑफ शेयर्स इनवाइटेड, एप्लीकेशन इनवाइटेड वर फॉर 5 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 6 लाख शेयर्स, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। तो अब कंपनी की मर्जी होती है कि किस बेसिस पे वो प्रोपोर्शनेटली करे, कि अच्छा चलो सबको थोड़े थोड़े शेयर दे दो, बाकी एडवांस मान लो। एक हो सकता है कि नहीं, जो फर्स्ट 5 लाख आए थे उनको दे दो, बाकी 1 लाख रिजेक्ट। तो पॉइंट इज कि एप्लीकेशन में कंपनी के पास पहले पैसा आता है, वो 1 हफ्ते तक वो जानबूझ के ओपन रखते हैं विंडो, वो चाहेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो कंपनी के पास ऑप्शन रहेगा। वो अगर 2 दिन का टाइम दें और आए ना सब्सक्रिप्शन तो फंस जाएंगे ना वो, तो इसलिए वो टाइम देते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि अच्छा कितनी एप्लीकेशंस आई। तो एप्लीकेशन स्टेज में सबसे पहले पैसा आता है कंपनी के पास, तो पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हो रहा है, कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ रही है, इंटरनल हो या जो मर्जी हो, लाइबिलिटी तो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो वी कैन ऑल्सो से दैट कैपिटल, मेरे लिए अभी सही वर्ड नहीं होगा यूज करना, क्योंकि कैपिटल में अभी ये ट्रांसफर होगा, अभी तो पैसा आया है, मैं डायरेक्टली कैपिटल में क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता? कह रहे हो सकता है एक्सेस एप्लीकेशन आ जाए तो मुझे पैसे वापस भी तो करने पड़ सकते हैं, तो पहले पैसे आने दो। पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दीज मेनी शेयर्स एट रुपीज 2 पर शेयर, 3 पर शेयर, 4 पर शेयर।
जितना एप्लीकेशन का, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन है, तो 2 रुपए पर शेयर ही आएगा यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख है, तो 1 लाख × 2 2 लाख रुपीज आपने रिसीव करे होंगे। फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 2 स्टेजेस होते हैं, 2 सब पार्ट्स होते हैं, पहले पैसा आया, फिर उसके बाद कंपनी देखती है कि उन पैसों का क्या करना है, कैलकुलेशन करेगी अपने एंड पे, अगर तो आप उनको वापस करना है, रिजेक्ट करना है तो रिवर्स एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, कह रहे पैसे वापस करो इनके। और अगर आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो अब आपकी वो एक इंटरनल लायबिलिटी बन गई है, आप उनको शेयर्स दे रहे हो तो जितना पैसा आ गया फेस वैल्यू उस स्टेज का, वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपने अपनी इंटरनल लायबिलिटी मानी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहाँ होता है, शेयर कैपिटल में नहीं आता, अलग से शो किया जाता है, रिमेम्बर? यस सर। अगर सर्टेन है कि उनको शेयर्स दिए जाएंगे तो जो सेकंड मेजर हेडिंग थी लाइन आइटम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर उनको रिफंड करने वाले होंगे तो अदर करेंट लाइबिलिटीज में, करेंट लाइबिलिटीज में। अभी समझ आया कि मेरे लिए वो जरूरी क्यों था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी कराना ये चैप्टर कराने से पहले, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा टर्म्स वहां से रिलेट करने वाला हूँ तो यहाँ यूज होंगी कि प्रेजेंटेशन एकदम से हम विजुलाइज कर पाएंगे, अच्छा हाँ सुना था। तो इसीलिए शेयर एप्लीकेशन आपका कैपिटल का पार्ट नहीं है, आपका कैपिटल का पार्ट नहीं है, इट इज अ लायबिलिटी। जब डिसाइड हो गया, कैलकुलेशन हो गई, तब ये सेकेंड एंट्री पास होती है, तो एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये लायबिलिटी आपकी खत्म। अब शेयर कैपिटल में वो जाएगा जितने शेयर्स आप एक्चुअली अलॉट कर रहे हो, जितने शेयर्स आप एक्चुअली अलॉट कर रहे हो उससे रिलेटेड पैसा वहां चला गया, क्रेडिट क्या हुआ, आपकी कैपिटल बढ़ गई, बैंक आप रिफंड कर रहे हो, आप रिफंड कर रहे हो पैसे तो आपके एसेट्स कम होंगे, तो इसीलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। मनी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल ऑन द शेयर्स बीइंग अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 6 लाख शेयर्स की, मेरे पास थे सिर्फ 5 लाख शेयर्स, तो 1 लाख शेयर्स मैं कैंसिल कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो उनपे जो एप्लीकेशन मनी, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रुपीज आई होती तो 1 लाख पे 2 रुपीज पर शेयर मैं वापस करूंगा, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड एप्लीकेशन टू बैंक, बट जो एप्लीकेशन मनी आई उसमें से कुछ पैसे रिफंड होंगे, बाकी तो कंपनी रिटेन करेगी ना एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो जब शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है तब कंपनी शेयर कैपिटल में उतना शो करती है, तब कंपनी ने अपनी इंटरनल लायबिलिटी मानी है, उससे पहले आप शेयर होल्डर नहीं बने। एप्लीकेशन स्टेज क्लियर, 2 ही एंट्रीज होंगी, पहले मनी रिसीव, देन अपोर्शनमेंट कहते हैं उसे, मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड रिफंडेड इफ देयर वाज एनी रिफंड। तो एप्लीकेशन के 2 पार्ट्स, पहला क्या था, मनी रिसीव्ड, और दूसरा इसकी एंट्री क्या पड़ी हमने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा पार्ट क्या था, अपोर्शनमेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अपोर्शनमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। तो उसमें क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट इफ देयर इज एनी रिफंड। कोई भी डाउट? नो सर। पहला स्टेज था एप्लीकेशन, नेक्स्ट स्टेज होता है अलॉटमेंट। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, अलॉटमेंट। अब ध्यान से देखना, जब एप्लीकेशन स्टेज होता है तो कंपनी को नहीं पता होता कि कितने शेयर्स आप अलॉट करने वाले हो, तो पहले पैसे आने दो फिर कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जब अलॉटमेंट स्टेज स्टार्ट होगा तो कंपनी को पता है कि वो कितने शेयर्स अलॉट करने वाले हैं, यस और नो? यस सर। क्या लोगों को पता है कि उनको शेयर्स मिले कि नहीं मिले जब तक उनको कंपनी इंटीमेट नहीं करती? क्या जरूरी है कि अगर आपने शेयर्स अप्लाई करे तो आपको शेयर्स मिल ही जाएंगे? नो सर। नो सर।
कंपनी इंटीमेट करती है कि मुबारक हो आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं, नाउ द अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, नाउ द अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। एप्लीकेशन में कंपनी को नहीं पता होता था कितने शेयर्स अलॉट होने हैं क्या है, तो एप्लीकेशन में पैसा पहले आता है उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन होती है। बाकी सारे स्टेजेस में पहले कंपनी इंटीमेट करेगी आपको कि भाई साहब इस स्टेज के पैसे ड्यू हो गए हैं, तो पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर्स होते हैं। बाकी सारे स्टेजेस में पहले ड्यू की एंट्री आएगी, इंटीमेशन की एंट्री आएगी अक्रूअल बेसिस के हिसाब से, फिर पैसे रिसीव होंगे। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था तो 2 रुपए आपने मांगे थे एप्लीकेशन पे, 3 रुपए आपने अलॉटमेंट पे मांगे, तो अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई है तो शेयर कैपिटल में पहले सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए मांगे थे तो फेस वैल्यू अभी तक सिर्फ 2 कॉल्ड अप थी, यस और नो? यस सर। अब आपने 3 रुपए और मांगे तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू बढ़ जाएगी, फेस वैल्यू उतने से बढ़ जाएगी, फेस वैल्यू टोटल थी 10, अभी 10 के 10 मांगे नहीं है तो मेरी इंटरनल लायबिलिटी 10 तो नहीं हुई, जितने मांगे हैं उतनी तो मेरी लायबिलिटी होगी, तो 2 तक हो चुके थे। अब अलॉटमेंट मनी जब मांगी तो एंट्री क्या होगी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट स्टेज है, रिसीवेबल है आपका एक तरह से, ये क्या है, रिसीवेबल्स हैं आपके, अमाउंट रिसीवेबल, तभी एसेट है मेरा। सर अभी मिले थोड़ी ना, कैपिटल क्यों क्रेडिट कर दिया हमने, अभी पैसे मिले हैं क्या? हो सकता है ना मिले, हो सकता है ना मिले, तो आपने पहले से अक्रूअल बेसिस, अक्रूअल बेसिस कहते हैं कि ड्यू हो गया तो आप उसको कैपिटल में उतना क्रेडिट कर दो, नहीं मिलेगा तो एरियर्स होंगे ना, वो कैपिटल में से बाद में माइनस कर देंगे। तो ड्यू के अक्रूअल बेसिस के हिसाब से ड्यू हुआ है तो आप उसको कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक रिसीवेबल अमाउंट भी तो खड़ा कर रहे हैं, तो आपकी कोई क्या सिर्फ लाइबिलिटी लाइबिलिटी आ रही है, तो जितना आपका ड्यू था जितना आपने क्रेडिट किया उतना ही तो एक एसेट भी क्रिएट कर दिया कि इतने पैसे मैंने अभी लेने हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, किस चीज की एंट्री है? अलॉटमेंट मनी ड्यू। कोई भी डाउट? अलॉटमेंट में पहले ड्यू होगी, इंटीमेट किया जाएगा शेयर होल्डर्स को कि भैया पैसे दे दो, उसके बाद पैसे आएंगे, तो जब पैसे आए तो एंट्री क्या हुई, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। पैसे आए तो बैंक टू अलॉटमेंट, नहीं आए तो जितना पोर्शन नहीं आया नुकसान है हमारा, यस और नो? यस और नो, तो वो एक सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। मैंने 100 रुपए लेने थे, 80 रुपीज अगर मिल गए तो बैंक में 80 रुपीज, जितने नहीं मिले वो एरियर्स में टू शेयर अलॉटमेंट। तो ध्यान से देखना, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट होगा, टोटल अमाउंट ड्यू, बैंक में मनी रिसीव्ड लिखा ही हुआ है, डेबिट क्यों हो रहा है, आपके एसेट्स बढ़ गए। अब जो पैसा अलॉटमेंट में आपने रिसीवेबल दिखा रखा था, अगर कुछ नहीं मिला तो अलॉटमेंट से हटा के उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर्स, ताकि सेपरेट से दिखे कि कितने एरियर्स हैं हमारे, तो सेपरेट डिस्क्लोजर होता है कॉल्स इन एरियर्स का। डेबिट क्यों हो रहा है, ये भी एक तरह से आपके लिए रिसीवेबल ही है, पैसे लेने हैं ना हमने, यस और नो? यस सर। तो मेरा एसेट ही है, रिकवरी है, इसीलिए डेबिट आइटम है, एक्सपेंस नहीं बोल सकता मैं इसे, खर्चा है क्या मेरा कोई? नहीं सर। ना, मेरे को कुछ पैसे मिलने हैं अभी, रिसीवेबल है, तो इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से और टर्म इट एज अ लॉस, दैट वुड बी एन इनकरेक्ट टर्म, बेटर वुड बी रिसीवेबल्स हैं अभी। तो हम बैलेंस शीट में क्या, कैपिटल मेरी लायबिलिटी, इतने पैसे मुझे मिले ही नहीं तो माइनस कर देते ना कैपिटल में से, क्योंकि अभी मिलने हैं वो, तो जितने पैसे मिल गए एंट्री क्या हुई, अगर पूरे पैसे मिल जाते तो बैंक टू अलॉटमेंट,
बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, जब ड्यू थी तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जब पैसे मिले तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। मैं कह रहा हूँ हो सकता है पूरे पैसे मिले, हो सकता है कुछ पैसे ना मिले, तो जितने मिले वो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। तो इसमें भी दो स्टेप्स में एंट्री होती है, बट फर्क क्या होता है, एप्लीकेशन में पहले पैसे रिसीव होते हैं फिर कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, अलॉटमेंट में पहले पैसा ड्यू होता है, मनी ड्यू। इसकी एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद मनी रिसीव होती है, उसकी एंट्री क्या होती है, जितने पैसे मिले वो बैंक में, ये ध्यान रखना कंपनी में सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू होंगी, जितने पैसे मिले वो बैंक में, जितने नहीं मिले वो एरियर्स में, टू शेयर अलॉटमेंट। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे, कोई डाउट? अगर ज्यादा मिल गए तो मतलब एडवांस में वो आएंगे स्टेजेस, अभी हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली कि कॉल्स इन एरियर्स के क्या केसेस हो सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस के क्या केसेस हो सकते हैं। ओके सर, अभी तक किसी को कोई डाउट? जो मेन पॉइंट है एप्लीकेशन में पैसे पहले आते हैं फिर कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, अलॉटमेंट और आगे जो भी होगा, पहले पैसा ड्यू होता है उसके बाद रिसीव होता है, कोई डाउट? नो। लास्ट स्टेज क्या हो सकता है, वेरियस कॉल्स। अब ये जितनी मर्जी हो सकती हैं, हो सकता है एक ही कॉल हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हो सकता है दो कॉल्स हो तो पहले फर्स्ट कॉल हो जाएगी फिर सेकंड कॉल हो जाएगी, वो कंपनी की मर्जी है वो कितने टुकड़ों में पैसे मांगे, कितने पार्ट्स में पैसे मांगे, वो अपनी उनकी मर्जी है। एक ही कॉल अगर है तो भी पहले क्या होगा, ड्यू या रिसीव? ड्यू। गुड, पहले ड्यू होगा, कंपनी आपको इंटीमेट करेगी कि कॉल मनी इज ड्यू, तो ड्यू की एंट्री, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू थी तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जब कॉल मनी ड्यू है एक ही कॉल है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, कॉल ड्यू, जब पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, जब एक ही कॉल हो तो उसको बोलते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब अगर सेकेंड कॉल ड्यू होती तो शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, पैसे मिलते तो बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल, मनी ड्यू मनी रिसीव। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन, सेकेंड स्टेज अलॉटमेंट, थर्ड स्टेज कॉल। तो कॉल में जब हम, पहला क्या होगा, व्हेन द मनी इज ड्यू, तो एंट्री क्या होगी, अगर एक ही कॉल है तो, अज्यूमिंग देयर इज ओनली वन कॉल, तो उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट एंड फाइनल, एक ही कॉल है। दो होती तो पहले कॉल का नाम दिया जाता फर्स्ट कॉल, दूसरी का दिया जाता सेकंड एंड फाइनल। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। स्टेज का नाम बता रहा हूँ, अकाउंट का नाम बता रहा हूँ कि अकाउंट क्या क्रिएट होगा। तो ध्यान से देखना, व्हेन द मनी इज ड्यू, तो पहली एंट्री क्या हुई, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, व्हेन द मनी इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर कुछ एरियर्स हैं तो कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट हो जाएंगे, फर्स्ट कॉल पे मिलने थे 5 लाख रुपए, 4 लाख 50 मिले, 50,000 नहीं मिले, तो जो मिले बैंक अकाउंट डेबिटेड 4 लाख 50, जो नहीं मिले कॉल्स इन एरियर्स 50,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 लाख। पहले पैसा ड्यू होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, एरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। कोई भी डाउट? नो सर। क्लोज कर देते हैं इसको भी। कॉल में व्हेन द मनी इज ड्यू, अज्यूमिंग एक ही कॉल है तो क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और जब पैसे रिसीव होंगे तो क्या एंट्री होगी, जो पैसे मिले वो कहाँ जाएंगे, बैंक अकाउंट में, जो पैसे नहीं मिले वो कहाँ जाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स में,
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनपे अलग से बहुत सारे केसेस अभी होंगे. अभी तो मैं बस आपको स्टेजेस का नाम बता रहा हूँ, अभी मैं बस आपको स्टेजेस का नाम बता रहा हूँ. इंट्रोडक्शन हो रही है. अच्छा, एप्लीकेशन में पैसे पहले आएंगे, कैपिटल में उसके बाद ट्रांसफर होंगे, अलॉटमेंट में और फर्दर कॉल्स में पैसे पहले ड्यू होंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल की एंट्री पहले पास होगी, पैसे रिसीव बाद में होंगे. आराम से रीड करें स्टेजेस और उनकी एंट्री. कोई भी लॉजिक अगर समझ नहीं आए कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, कोई भी पार्ट अगर समझ नहीं आएगा तो पूछें. Thank you.